Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about band break, right? So what is the function of band break? So let's start the video. So first of all, you must know about the break function, right? So break ka basically function kya hai, uske baare mein baat karenge. So it is a device by means of which frictional resistance is applied to a moving machine member in order to retard or stop the motion of a machine, right? So brakes क्या है, generally एक device है जो कि क्या create करता है, frictional resistance, right? जो हम किस पे apply करते हैं, moving machine पर, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा machine retard यानी कि धीमा और stop यानी कि बंद हो जाएगा, right? सो सिंपल ब्रेक का फंक्शन पता चल गया, विच इज वन टाइप ऑफ मशीन, राइट, जो कि वो क्या क्रिएट करता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, राइट, विच इज अप्लाई ऑन मूविंग मशीन, जिसकी वजह से हमारा जो भी मूविंग एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स, राइट, जो कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर लिया है. सो आज हम बात करेंगे बैंड ब्रेक के बारे में, राइट, जो कि किसका सब पार्ट है, मैकेनिकल ब्रेक का. सो ओवर हियर यू कैन सी बैंड ब्रेक. अ बैंड ब्रेक कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल बैंड ऑफ लेदर और स्टील लाइंड विद फ्रिक्शन मटेरियल. यानी कि बैंड ब्रेक में क्या कंसिस्ट होता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ बैंड, जो कि फ्लेक्सिबल बैंड होता है, जो कि किसका बना होता है, लेदर और स्टील का, राइट, जिसके ऊपर क्या लगाया जाता है, फ्रिक्शनल मटेरियल लगाया जाता है. सो सिंपल आपको याद रखना है, बैंड ब्रेक में एक बैंड रहेगा, राइट, जो कि कैसा रहता है, फ्लेक्सिबल, जिसका मटेरियल रहेगा लेदर और स्टील, राइट, उसके ऊपर क्या लगाया गया है, फ्रिक्शन मटेरियल, उसे ही हम बैंड ब्रेक बोलेंगे. द फ्रिक्शन बिटवीन द बैंड एंड द व्हील सरफेस provides the braking force to decrease or stop the motion of the wheel. So simple, यहाँ पे जो भी हमारा band है, right, वो हमारा wheel के surface के ऊपर क्या create करेगा, friction create करेगा, right, जिसकी वजह से हमारा जो भी moving element है, जो यानी कि जो भी wheel है, वो क्या हो जाएगा, stop हो जाएगा. So simple याद रखना है, band brake में band का इस्तेमाल होगा, जो कि कैसा रहता है, flexible, राइट, जो कि लेदर और स्टील का बना होता है, राइट, जो कि फ्रिक्शन क्रिएट करेगा इसके बीच में, जो भी बैंड है और व्हील का जो भी हमारा सरफेस है उसके बीच में क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो भी मोशन ऑफ द व्हील, जो कि हमारा व्हील जो मोशन में वो स्टॉप हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ ब्रेक्स आर यूज इन सिविल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो इन ऑटोमोबाइल एज हैंड ब्रेक. तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ ब्रेक हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर सिविल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हमारा बिल्डिंग वगैरह बनता है, राइट, वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का यूटिलाइज होता है, वहाँ पे इस तरह का बैंड ब्रेक का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, राइट, और इन ऑटोमोबाइल में एज अ हैंड ब्रेक इस्तेमाल होता है. इन कंसिस्ट सिंपल बैंड ब्रेक्स एंड डिफरेंशियल बैंड ब्रेक. तो इतना याद रखना है, जब भी बैंड ब्रेक आएगा तो उसमें दो टाइप्स के रहेंगे, सिंपल बैंड ब्रेक आते हैं एंड डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, राइट, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बैंड ब्रेक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल बैंड ब्रेक, उसका यहाँ पे फिगर दिखाया गया, राइट, बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसका रोटेशन है वो अलग है, ड्रम का यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है और यहाँ पे ड्रम का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट. तो सिंपल याद रखना है, ये हमारा लेवर रहेगा, राइट, जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट, और जो बैंड की हम बात कर रहे हैं वो हमारा ये रहेगा, ये हमारा बैंड रहेगा, राइट, जो कि ये कहाँ पे है, जो हमारा व्हील है उसके ऊपर लगाया जाएगा, राइट, और ये हमारा शाफ्ट रहेगा. तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे लेवर पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये हमारा जो बैंड है वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, किसके ऊपर, ये जो व्हील है
उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये जो व्हील रोटेशन में है राइट, वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड यानी कि धीमा हो जाएगा या अदरवाइज स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल बैंड ब्रेक। सिंपल बैंड ब्रेक में याद रखना है, यह बैंड रहेगा, ये लीवर रहेगा, ये जो है वो हमारा शाफ्ट रहेगा राइट। और बैंड किसके ऊपर लगाया जाता है, जो कि हमारा ड्रम है, व्हील है, उसके ऊपर। तो ये सेम है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा व्हील रोटेट हो रहा है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, तो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक बोथ आर फिगर सेम है राइट। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में याद रखिए, यहाँ पे इस तरह का एक फलक्रम रहेगा राइट। तो यहाँ पे जो बैंड था सिंपल बैंड ब्रेक में, वहां पे ये बैंड कहाँ पे अटैच हुआ था, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल में क्या हो रहा है, उसका एक अलग लेवल होगा। तो ये यहाँ पे देखिए, ये कहाँ पे कनेक्शन है, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे बैंड का, और ये फलक्रम, जो यहाँ पे ये दो लोअर को ज्वाइंट किया गया है। यहाँ पे सेम उसी तरह का है, ये हमारा बैंड है, ये हमारा लेवर है, ये हमारा फलक्रम रहेगा जहाँ पे ये दोनों को ज्वाइंट किया गया है राइट। ये क्या है, हमारा ड्रम व्हील जिसे हम बोलते हैं, जो कि रोटेट होता होगा। अगर हमें जब भी उसे स्लो करना है और स्टॉप करना है, तो हमें यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना होगा। जब भी लीवर पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो मूविंग एलिमेंट है रोटेट होता है वो स्टॉप हो जाएगा राइट। तो डिफरेंशियल में इतना याद रखना है कि इसका एक यहाँ पे ज्वाइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। जबकि जो हमारा फर्स्ट बैंड ब्रेक था, कौन सा, सिंपल बैंड ब्रेक, वहां पे जो भी हमारा बैंड है वो यहाँ पे लगाया गया। तो यहाँ पे डिफरेंशियल बैंड ब्रेक यहाँ पे आप क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये हमारा बैंड है जो कि फ्लेक्सिबल रहता है, वो किसका बना होता है, लेदर का, और मे बी फ्लेक्सिबल स्टील का राइट। ये हमारा फलक्रम है। तो एक ज्वाइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे राइट। अब यहाँ पे क्या गया है, दूसरा फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, किस पे, लीवर पे, यानी कि लीवर पहले ऐसा था, जब भी फोर्स अप्लाई किया लीवर ऐसी तरह से हुआ, उसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरह का व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है राइट। जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ राइट। यहाँ पे देखिए, इसकी वजह से ये जो हमारा व्हील है, रोटेटिंग ड्रम है राइट, वहां पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये जो व्हील रोटेट होता है वो स्टॉप हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे से आपको पता चल गया, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। बैंड इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैंड का इस्तेमाल किया जाता है राइट। जब भी हम लेवर अप्लाई करेंगे, इस तरह से फोर्स क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये जो व्हील है उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये व्हील रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं, ये बाइसिकल में लगाया गया है किस तरह का राइट। सो ये जो आप देख रहे हो, ये बैंड है राइट। तो जब भी ये हमारा जो व्हील है रोटेट होता होगा राइट, तभी क्या, अगर व्हेन हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है बैंड, वो क्या हो जाए, खींचेगा। तो खींचने के कारण क्या होगा, ये जो व्हील है राइट, उसके साथ यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा जो व्हील है वो रोटेट होना बंद हो जाएगा। तो सिंपल याद रखना है, बैंड ब्रेक में बैंड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको बैंड ब्रेक बोलते हैं। इतना याद रखना है आपको, बैंड का मटेरियल कैसा रहता है, स्टील का रहता है, अदरवाइज लेदर का रहता है राइट। तो दिस इज सिंपल बैंड ब्रेक राइट, जो कि एक किसका पार्ट है, मैकेनिकल ब्रेक का पार्ट है। थैंक यू।